हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यार आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में ओटाइटिस मीडिया का नर्सिंग केयर प्लान यहां पर देखने जा रहे हैं। वीडियो में आप टोटल 5 नर्सिंग डायग्नोसिस देखोगे और यहां पर जो नर्सिंग केयर प्लान है वो पूरे फॉर्मेट में है, जो नर्सिंग प्रोसेस का फॉर्मेट है, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, एक्सपेक्टेड आउटकम, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल इवेल्यूशन, तो ये सारे आप यहाँ पर अच्छे ढंग से देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ओटाइटिस मीडिया का नर्सिंग केयर प्लान। तो देखते हैं यहाँ पर ओटाइटिस मीडिया का नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले देखते हैं ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। ओटाइटिस मीडिया ऑल्सो नोन एज मिडिल ईयर इन्फेक्शन। ओटाइटिस मीडिया को मिडिल ईयर इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इट कैन कॉज रेडनेस, स्वेलिंग एंड ब्लड बिल्डअप बिहाइंड द ईयर ड्रम। Different types of otitis media include the following: acute otitis media, otitis media with effusion, chronic otitis media with effusion, chronic supportive otitis media. तो ये different types of otitis media के, तो ये एक short introduction about otitis media, ये सबको पता होना चाहिए कि otitis media क्या होता है, इसके लिए हमने एक otitis media का short introduction दिया। Next देखते हैं ओटाइटिस मीडिया का नर्सिंग केयर प्लान। तो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट। यह हो गए फर्स्ट केयर प्लान का डायग्नोसिस, पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू इंफ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इवेल्यूशन, ये सारे इस नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान के लिए बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट रिप्लाइज दैट आई फील पेन इन नियर एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर। असेस पेन ऑन रेटिंग स्केल, पेन इंटेंसिटी इंक्रीज विद ईटिंग टॉकिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्टिव डाटा, मीन जो डाटा नर्स पेशेंट से पूछ कर लिखता है ये सारा, और ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो नर्स ऑब्जर्व करके लिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट हियर द नर्सिंग डायग्नोसिस दैट इज हियर पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। तो हमने इन डाटा के बेसिस पर यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान बनाया है, सॉरी नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया यहाँ पर पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जो हमने पेशेंट से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा पूछे उसके आधार पर यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। गोल या एक्सपेक्टेड आउटकम हो गया पर टू रिलीफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, मीन्स हमको पेशेंट का पेन रिलीव करना है और पेशेंट का डिस्कम्फर्ट भी रिलीव करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन, मीन्स पेशेंट के लिए हमको क्या क्या प्लान करना है। एंड रेशनल मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये सारा लिखना है। फर्दर आप इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो, मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया उसको इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स उसको पेशेंट को देना है। तो हमने केवल यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशन और रेशनल लिखा है। तो देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर इंटरवेंशन होगा, यहाँ पर असेस द पेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लोकेशन, इंटेंसिटी, सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक रेडनेस, स्वेलिंग, ईयर डिस्चार्ज, कलर अमाउंट, ऑर्डर एक्सेट्रा। रेशनल का असेसमेंट हेल्प इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस, मीन्स हमने पेशेंट का पेन का असेसमेंट किया जिससे कि हम पेशेंट को तुरंत इंटरवेंशन प्रोवाइड करा सके। सेकेंड होगा मॉनिटर रिकॉर्ड द पेशेंट वाइटल साइन क्लोजली, एयर पेन में कॉज अल्ट्रेशन इन वाइटल साइन। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं पर एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशंस, एसिटामिनोफेन, ब्रूफेन एक्सेट्रा। रेशनल का टू रिलीव पेन। फोर्थ होगा प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट एंड कंफर्टेबल पोजीशन टू पेशेंट। रेशनल का टू प्रमोट कंफर्ट। नंबर फिफ्थ ए पेन इज इन सिटिंग पोजीशन पुट पिलो बिहाइंड द हेड ऑफ और लाई और ऑन द अनअफेक्टेड ईयर। रेशनल का एलिवेशन प्रमोट ड्रेनेज एंड रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम फ्लूइड। नंबर सिक्स होगा एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स सिस्टमेटिक एंड लोकल एंड स्टेरॉइड टू ट्रीट इन्फेक्शन। रेशनल होगा यहाँ पर टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन।
नेक्स्ट नंबर 7 हो गया पर अप्लाई बार्म हीटिंग पैड और आइस पैक ओवर द पेशेंट अफेक्टेड ईयर एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर। रेशन हो गया पर हीट प्रमोट्स वासोडायलेशन एंड रिड्यूसिंग पेन एंड कोल्ड कंप्रेशन में डिक्रीज एडिमा एंड पेन। नेक्स्ट नंबर 8 इंटरवेंशन होगा एनकरेज द पेशेंट फॉर रिक्रिएशनल एंड डाइवर्शनल एक्टिविटीज। रेशनल होगा पर टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट। नंबर 9 होगा प्रोवाइड लिक्विड एंड सॉफ्ट फूड टू ईट। रेशनल होगा मूवमेंट ऑफ स्टिक एंड ट्यूब विचिंग एग्रीवेट पेन। तो ये सारा इंटरवेंशन हमको पेशेंट को प्रोवाइड कराना है जिससे कि पेन कम हो और पेशेंट रिलैक्सेशन फील हो। ये सारे इंटरवेंशन हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हो। आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस, हम सारे इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट को एवेल्यूट करते हैं कि पेन या डिस्कम्फर्ट पेशेंट को ठीक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं एवेल्यूशन में, नाउ पेन इज रिलीव्ड एंड पेशेंट फील कम्फर्ट, मीन्स अब पहले से पेशेंट को पेन रिलीव हुआ है और पेशेंट से पहले से अच्छा फील कर रहा है। मीन जो हमारा गोल था वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से केयर प्लान फर्स्ट को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 2 फॉर ओटाइटिस मीडिया। तो ये सारी पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हो। 2nd केयर प्लान हो गया पर इनइफेक्टिव हियरिंग एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू हियरिंग लॉस सेकेंडरी टू इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। ये यहाँ पर 2nd केयर प्लान का डायग्नोसिस होगा। तो यहाँ पर देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान को सेम हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स होंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसा कि अभी बताया था सब्जेक्टिव डाटा में जो डाटा नर्स कलेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट बाई डिफरेंट क्वेश्चनिंग मीन्स पेशेंट से डायरेक्टली पूछकर और ऑब्जेक्टिव डाटा बाई मीन्स ऑब्जर्वेशन मेथड पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करके। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा व्हेन आस्किंग क्वेश्चन द पेशेंट राइट ऑन पेपर अबाउट हियरिंग डिफिकल्टी, मीन्स जब पेशेंट से कुछ पूछा तो पेशेंट लिख के बता रहे भाई उसको कुछ समझ में नहीं रहा इस तरह से। और ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर असेस क्लाइंट हियरिंग एबिलिटी, डिक्रीज एबिलिटी टू हियर और परसीव साउंड एक्यूरेटली, अल्ट्रेशन और डिसरप्शन इन द एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव और इंटरप्ट ऑडिटरी स्टिमुलाई। आफ्टर राइटिंग दीज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा वी राइट हियर द नर्सिंग डायग्नोसिस हियर दैट इज इनइफेक्टिव हियरिंग एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू हियरिंग लॉस सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर। यहाँ पर 2nd डायग्नोसिस है इस पेशेंट ठीक ढंग से सुन नहीं रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका हियरिंग लॉस हुआ है और उसका जो कारण है मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन। डायग्नोसिस किया हमने, गोल हो गया यहाँ पर टू इम्प्रूव हियरिंग एंड कम्युनिकेशन मीन्स पेशेंट की हियरिंग और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं और इसके रेशनल, तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया पर असेस द पेशेंट्स हियरिंग एबिलिटी एंड कलेक्ट बेसलाइन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। रेशनल हो गया पर हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस, मीन्स हम पेशेंट की हियरिंग असेसमेंट करना है जिससे कि पेशेंट को तुरंत इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट डे श्योर द पेशेंट दैट हियरिंग लॉस नॉट परमानेंट एंड विल रिगेन एज इन्फेक्शन रिजॉल्व, मीन्स पेशेंट को रेश्योर करना है कि जो आप हियरिंग लॉस है परमानेंट नहीं है और ये फिर से ठीक होगा जैसे इन्फेक्शन ठीक होगा। और रेशनल होगा टू रिलीव एंजाइटी। नेक्स्ट नंबर 3rd नर्स शुड प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट टू द पेशेंट। रेशनल होगा इट मे फोकस एंड इरिटेट द पेशेंट, मीन्स पेशेंट को एक काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे पेशेंट को अच्छा फील हो। यदि एनवायरनमेंट इरिटेटिव होगा तो पेशेंट इरिटेशन फील करेगा, कन्फ्यूजन फील करेगा। नेक्स्ट नंबर 4th एनकरेज द फैमिली मेम्बर टू स्पीक इन लाउड एंड क्लियर वॉइस एंड मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद पेशेंट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, मीन्स पेशेंट के जो भी फैमिली मेम्बर्स है रिलेटिव से उनको बताना है कि मीन्स पेशेंट से ठीक से बात करो, अच्छे साउंड में बात करो और पेशेंट से आई कॉन्टेक्ट करो जिससे वो अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सके। रेशनल होगा टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। नंबर 5th हो गया पर एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस दैट इज एंटीबायोटिक थेरेपी एयर ड्रॉप्स। रेशनल होगा टू एलिमिनेट इन्फेक्शन एंड रिगेन हियरिंग।
Number 6, encourage the alternative means of communication, written message, picture, non-verbal cues, रेशनल का टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस मीन्स पेशेंट को हमको अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स बोलने के अलावा पेशेंट किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है लिख कर पिक्चर्स या नॉन वर्बल क्यूज स्माइल इस तरह से ये सारा हमको पेशेंट को बताना है. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशन वी राइट द एवोल्यूशन स्टेप्स देखते हैं पर एवोल्यूशन में इवोल्यूशन लिखना है. नाउ पेशेंट कम्युनिकेट इफेक्टिवली देन बिफोर मीन्स अब पहले से अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है पेशेंट मीन्स जो हमारा गोल था टू इम्प्रूव हियरिंग एंड कम्युनिकेशन मीन्स हमको पेशेंट का हियरिंग और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है तो हमने ये अचीव किया है जो इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर सेकेंड को कम्प्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड फॉर ओटाइटिस मीडिया. केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ईस्टिकियन ट्यूब डिसफंक्शन विद मिडिल ईयर इन्फ्लामेशन ये पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा. तो देखते हैं पर नर्सिंग केयर प्लान में नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस गोल प्लानिंग और इंटरवेंशन रेशनल इवेल्यूशन सभी स्टेप जो हमने अभी देखे थे इस तरह से ही सेम यहाँ पर लिखेंगे. नर्सिंग असेसमेंट में हमको लिखना है नॉट एप्लीकेबल. यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इसलिए लिखना है सॉरी सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है नॉट एप्लीकेबल. नॉट एप्लीकेबल इसे लिखना है कि मीन्स अभी तक किसी प्रकार का साइन सिम्टम अपेयर नहीं है केवल रिस्क कंडीशन है जैसे कि बताया रिस्क फॉर इन्फेक्शन इस इन्फेक्शन का रिस्क है यहाँ पर. तो हमको सब्जेक्टिव डाटा में नॉट एप्लीकेबल करना मीन्स हम पेशेंट से कुछ भी नहीं पूछ रहे केवल हम रिस्क इन्फेक्शन रिस्क को असेस कर रहे हैं. तो यहाँ पर लिखना है नॉट एप्लीकेबल मीन अभी तक किसी प्रकार का साइन सिम्टम कुछ कोई भी अपेयर नहीं है केवल हम एक तरह से डायग्नोसिस देख रहे हैं रिस्क की मीन्स पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है जिस तरह से. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर. ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है असेस साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन. आफ्टर राइटिंग दीज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस. तो नर्सिंग डायग्नोसिस होने पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ईस्टिकियन ट्यूब डिसफंक्शन विद मिडिल ईयर इन्फ्लामेशन तो ये पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा गोल होगा पर टू प्रिवेंट रिस्क फॉर इन्फेक्शन मीन्स हमको इन्फेक्शन का रिस्क को रोकना है. नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन एंड रेशनल. तो देखते हैं इसमें फर्स्ट यहाँ पर एडवाइस द फैमिली मेम्बर्स अबाउट हैंड वॉशिंग टेक्निक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कवरिंग माउथ एंड नोज ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग. रेशनल का प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन मीन्स पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर को उनको बताना है कि उनको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है हाइजीनिक प्रैक्टिस का यूज़ करना है जिससे कि इन्फेक्शन रिस्क कम हो सके इन्फेक्शन को रोक सके. नेक्स्ट सेकंड इंक्रीज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूड इनटेक गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट रेस्ट प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. तो यहाँ पर रेशन होगा सॉरी हमने ये दो बार लिख दिया है प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिस प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये हमको यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ तक लिखना एडिक्वेट रेस्ट. नेक्स्ट नंबर थर्ड देखते हैं नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स टू लिमिट विजिटर्स एंड रेस्ट्रिक्ट प्यूपिल. प्रिपरेशन लोग यहाँ पर टू रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन मीन्स हमको विजिटर्स और प्यूपिल्स को पेशेंट से दूर रखना है जिससे कि इन्फेक्शन न फैले. नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एलिमिनेट एलर्जेंस एंड एयरवे रिटेंट्स टोबैको स्मोक एंड डस्ट होगा बिकॉज दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया में हमको सभी प्रकार के रिस्क फैक्टर से पेशेंट को बचाना है जो ओटाइटिस मीडिया को कॉन्ट्रीब्यूट कर सके करते हैं ये सारे चीज इनसे ओटाइटिस मीडिया को होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इफ इन्फेक्शन अगर नर्स शुड इज द पेशेंट फॉर इमीडिएट मेडिकल सीक एंड टेक प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक थेरेपी. यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो हमको तुरंत जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन से एंटीबायोटिक थेरेपी वो पेशेंट को देना है जिससे कि इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सके टू कंट्रोल इन्फेक्शन. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइटेड द इवेल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान. तो यहाँ पर इवेल्यूशन होगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंटेड मीन जो हमारा गोल था टू प्रिवेंट रिस्क फॉर इन्फेक्शन वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड को हम कंप्लीट करते हैं.
नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ। यहाँ पर केयर प्लान नंबर फोर्थ होगा रिस्क ऑफ इंजरी टू पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर मेरिंगोटोमी, मेरिंगोप्लास्टी एंड टिम्पनोप्लास्टी एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा फोर्थ, और देखते इसको नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हियर। असेस द सर्जिकल साइट फॉर इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर रिस्क ऑफ इंजरी लेड टू ऑपरेटिव प्रोसीजर मेरिंगोटॉमी, मेरिंगोप्लास्टी एंड टिम्पेनोप्लास्टी एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। मीन्स पेशेंट को इंजरी का रिस्क हो सकता है, मीन्स किसी प्रकार का, मीन्स ड्यू टू जो भी प्रोसीजर है आप ओटाइटिस मीडिया के लिए करते हैं, मेरिंगोटॉमी, मेरिंगोप्लास्टी या टिम्पेनोप्लास्टी, तो ये सारे इंजरी रिस्क हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है नेक्स्ट गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी। नेक्स्ट इंटरवेंशन और रेशनल लिखते हैं फर्स्ट होगा असेस द सर्जिकल साइट केयरफुली पोस्ट ऑपरेटिवली। रेशनल होगा टू आइडेंटिफाई साइन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिकॉर्ड ऑल फाइंडिंग्स। नंबर सेकेंड होगा प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। द पेशेंट शुड बी पोजिशन फ्लैट एंड चाइल्ड लाइंग विद द ऑपरेटिव साइट अप। रेशनल होगा टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस प्रेशर इन मिडल ईयर। मीन्स पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराना है, मीन्स जिससे कि पेशेंट को रिलैक्सेशन हो सके, मीन्स पेशेंट अच्छा फील करे। नेक्स्ट नंबर थर्ड देखते हैं पर एक्सप्लेन द पेशेंट दैट हियरिंग इम्पेयरमेंट इज नॉट नॉर्मल पोस्ट ऑपरेटिवली इफ देयर इज पैकिंग इन द ईयर। रेशनल होगा टू रिड्यूस एंजाइटी। मीन्स ऑपरेटिव प्रोसीजर के बाद यदि पेशेंट को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो बताना है कि ये टेम्परेरी है, मीन्स क्योंकि आपके ईयर पैकिंग है, ईयर बंद है इस तरह से। नेक्स्ट नंबर फोर्थ चेंज द कॉटन पैकिंग एंड ड्रेसिंग डेली। रेशनल होगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मीन्स जो पेशेंट की ईयर पैकिंग है उसको चेंज करना है ड्रेसिंग को, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। नंबर फिफ्थ एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स। रेशनल होगा टू रिड्यूस रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन एंड लिप पेन। मीन्स पेशेंट को हमको जो भी एंटीबायोटिक एनालिसिस की थेरेपी देना है जिससे कि पेशेंट का इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट को पेन फील ना हो। आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द इवेल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान। तो देखते हैं इस केयर प्लान के इवेल्यूशन होगा पर रिस्क ऑफ इंजरी रिड्यूस। मीन्स जो हमारा गोल था टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फोर्थ को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ। केयर प्लान नंबर फिफ्थ होगा नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू ओटाइटिस मीडिया एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ भी हम सेम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स लिखेंगे, जैसे नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल प्लानिंग और इंटरवेंशन रेशनल इवैल्यूएशन। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर पेशेंट वर्बलाइज दैट प्लीज टेल मी अबाउट द डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट। मीन्स पेशेंट ने नर्स से पूछा कि मुझे ओटाइटिस मीडिया के बारे में बताओ, इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये सारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा जिस नर्स ने ऑब्जर्व किया है पेशेंट लुकिंग एंजियस रेस्टलेसनेस फ्रिक्वेंटली कन्वर्सेशन विद मेडिकल स्टाफ। मीन्स पेशेंट हमको एंजियस दिखाई दे रहा है, रेस्टलेसनेस और बार बार मेडिकल स्टाफ से डिजीज के बारे में पूछा, तो नर्स ने ऑब्जर्व किया। लेकिन ऑब्जेक्टिव डाटा में ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा डाटा के बेस पर नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू ओटाइटिस मीडिया एंड इट्स ट्रीटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट होगा गोल टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज, मीन्स पेशेंट का और उसके फैमिली मेम्बर का जो भी है उनको नॉलेज इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं पर फर्स्ट कम्युनिकेट विद द पेशेंट। रेशनल होगा टू असेस द पेशेंट नॉलेज अबाउट द डिजीज एंड ट्रीटमेंट। मीन्स पेशेंट से हमसे हमको कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है, जिससे कि हमको पेशेंट का नॉलेज पता चल सके उससे बातचीत करने पर, और डिजीज के बारे में क्या जानता है, ट्रीटमेंट के बारे में क्या जानता है, ओटाइटिस मीडिया के बारे में क्या जानता है, तो ये हमको पूछना है। सेकंड देखते हैं पर अलाउ द पेशेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड लिसन अटेंटिवली एंड आंसर
क्लियरली मीन्स पेशेंट से हमको पेशेंट को बताने कि आप कुछ भी पूछ सकते हो डिजीज के बारे में और उसको हमको ध्यान से सुनना है और ठीक से उसका आंसर देना है। तो रेशनल का टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ द पेशेंट मीन्स पेशेंट का हमको जो भी आंसर देंगे उससे उसका नॉलेज इम्प्रूव होगा। नंबर थर्ड एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स अबाउट द ऑटाइटिस मीडिया ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल प्रोसीजर का टू इम्प्रूव नॉलेज। नंबर फोर्थ होगा ड्यूरिंग डिस्चार्ज नर्स शुड प्रिपेयर ए टीचिंग गाइड फॉर द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर फॉर पोस्ट और ऑपरेटिव होम केयर। रेशनल होगा हेल्थ थ्रू अर्ली रिकवरी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। नंबर फिफ्थ एडवाइज टू चेंज पोजिशन स्लोली एंड अवॉइड कफिंग एंड ब्लोइंग नोज। रेशनल होगा बिकॉज दीज में इंक्रीज प्रेशर इन स्टेकन ट्यूब एंड मिडिल ईयर कैविटी एंड डिस्टर्ब हीलिंग मीन्स हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है खांसते समय नाक साक नोज को क्लीन करते समय, तो ये सारा प्रेशर बिल्डअप करता है मिडिल ईयर में, तो हमको ध्यान रखना है पेशेंट को बताना है सारा चीज़ें। एडवाइज इन केस ऑफ कफिंग और स्नीजिंग डू विद ओपन माउथ यानी कि खांसते और नाक साक छींकते समय हमको मुँह खोल के रखना है इस तरह से, जिससे कि मिडिल ईयर में प्रेशर कम रेशनल होगा टू रिड्यूस प्रेशर इन मिडिल ईयर मीन्स मिडिल ईयर का प्रेशर रिड्यूस हो। नंबर सेवन एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड एयर प्लेन ट्रेवल और विजिट टू हाई एल्टीट्यूड। रेशनल होगा दिस कॉज अल्टरेशन इन प्रेशर इन मिडिल ईयर कैविटी मीन्स पेशेंट का एडवाइस कर रहा है कि एरोप्लेन और हाई ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से वजह जिससे कि मिडिल ईयर पर प्रेशर कम हो। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस इंटरवेंशन वी राइटेड द इवेल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान। ये सभी इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के बाद हम इसका इवेल्यूशन लिखेंगे। तो देखते हैं आप इवेल्यूशन में लिखना है आपको द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर हैविंग सफिशियंट नॉलेज अबाउट ओटाइटिस मीडिया मीन्स पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर को ओटाइटिस मीडिया के बारे में जानकारी है, वो सफिशियंट नॉलेज रखते हैं ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्या साइन सिम्टम है, किस तरह से फैलता है, तो ये सारा हमको पेशेंट को जो भी इंटरवेंशन दिए उसके बाद हम इसको इवेल्यूशन में लिखेंगे मीन्स अब पेशेंट ओटाइटिस मीडिया के बारे में जानकारी रखता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पांचों नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे और ये था हमारा फिफ्थ नर्सिंग केयर प्लान फॉर ओटाइटिस मीडिया। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।